कहाँ जा रहा है? लैला के पास। वो तो भाग गई किसी और के साथ, और तू इतनी देर से क्यों आया? पुलिस वाला है ना, हमेशा देर कर देता है। मौके पे पहुंचना हो तो देर से, बात को समझना हो तो देर से, एतबार करना हो तो देर से। मगर बदकिरदार तो वो ही है। तू अपने आप को क्यों कुछ नहीं कहता? हाँ। बदनसीब, नाकाम, मुनाफिक, खुद को ये सब इल्जाम दे। बदनसीब कि उसके प्यार का मान न रख सका, नाकाम कि उसके प्यार को समझ ना सका, कमजोर जो उसका साथ देने के बजाय, लोगों का सामना करने के बजाय बीच सड़क पर उसको छोड़कर चलता बना, और मुनाफिक जो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय उसके किरदार पर उंगलियां उठाता रहा। लेकिन तुम पहले नहीं हो, उसकी जिंदगी में हर आने वाले मर्द ने यही किया। तुम सब मिलकर मुजरिम उसी को ठहराओगे, क्योंकि उसने अपने नसीब को कोस कर हालात और माशरे के सामने घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया। उसने बेहतर से बेहतरीन को पाना अपना हक समझा। और सुन, वो रुकेगी नहीं जब तक उसे उसका हक नहीं मिल जाता। इम्तिहान तो तुम मर्दों का है जो उसे सुहाने सपने दिखाएंगे, लेकिन वो हकीकत की कायल है, सुहाने सपनों पर उसका काबू नहीं। और हकीकत में लैला का असल इश्क कैस के अलावा और कौन हो सकता है? कैस जो उसके लिए मजनू बन गया, और तू इतने ड्रामे के बाद तू क्या बना? साजिद साहब, मर्द वो नहीं जो औरत पे पहरा दे, मर्द वो है जो उसे आजादी दे। परिंदे को पिंजरा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उसे खुले आसमान में छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। जा, कोई ऐसा ढूंढ जिसे तू पिंजरे में कैद कर सके, या फिर कोई ऐसा जिसके तू पर काट दे ताकि कभी उड़ ना पाए। बड़ा बदल गए हो, मतलब अच्छे लग रहे हो। शेव बनवाई है? मर्दों के मामले में ना मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रही है। तुम बदल तो नहीं चाहोगे ना? हाँ कैस, तो है ही लैला का, कैसे बदल सकते हैं?